बिस्मिल्लाह। आज हम आपको बनाना बताएंगे चपली कबाब। तो देखते हैं चपली कबाब के लिए क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा। इसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट फरमा लें। इसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच, अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्ची 1 चाय का चम्मच, लाल पिसी हुई मिर्ची आधा चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, दालचीनी के स्टिक्स 3 से 4 अदद ले लीजिएगा, और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, ये थोड़ी सी तकरीबन 8 के करीब साबुत मिर्ची है, ये साबुत गोल वाले मिर्चें 8 अदद, 1 चाय का चम्मच नमक, और बे लीव्स ये 2 अदद, ठीक है। और ये आटा है गंदम का, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब चाहिए होगा हमें। हमारी चिकन है इस वक्त 1 किलो से तकरीबन थोड़ा सा पाव कम, यानी 3 पाव के करीब थोड़ा चिकन का गोश है पूरा का पूरा, उसकी बोटियाँ बनी हुई, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके लिए ये सामान है, आप नोट फरमा लीजिए, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये देख लें, लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच सब, और चम्मच ये वाला है, ठीक है। लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, अदरक का पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, ये 2 चम्मच गंदम का आटा। इसके बजाय आप मकई का आटा भी ले सकते हैं, बट हम घर का आटा यूज़ करते हैं हमेशा से, कई साल से बनाती भी आ रही हूँ। फरमाइशी चपली कबाब हैं ये मेरे, आज आपको बता रही हूँ। इसकी जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं, मकई का आटा भी ले सकते हैं इसको हटा के, या कि इसको हटा के बेसन भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम अंडा शामिल करेंगे, ठीक है। इससे टूटने का जो एक दिमाग में आइडिया पैदा होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और ये देखिए, धनिया साबुत है 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 8 अदद गोल वाले मिर्चे हैं, और 2 बेलीव्स हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब हम पीसते हैं, ठीक है। ये सब पीस कर अब मैं इस मशीन में इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पीस लिया है। अच्छा हाँ, इसमें मैंने आपको अनारदाना मिलाना भूल गई थी, 1 चाय का चम्मच सूखा हुआ अनारदाना भी ऐड कर दिया था मैंने, वो उसी सामान में था, मैं बताना आपको भूल गई जब पीसने आई, तो मैंने कहा 1 चम्मच अनारदाना भी है इसमें, ठीक है। बस बाकी इंग्रीडियंट्स वही रहेंगे, और बेहद लजीज और बेहद मज़े का बनेगा। देखिए ये शक्ल आ गई है, अब मैं आपको बताती हूँ इसको और क्या करना है। झटपट बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, मैं जल्दी से बताती हूँ अब आपको, ठीक है। देखिए जी, ये मसाला पिसकर आ गया है, देखें इस शक्ल का मसाला है, ठीक है। अब इसको एक तरफ रख रही हूँ और फिर बताती हूँ जल्दी से। ये चिकन है हमारी, ठीक है, 1 किलो में से पाव भर कम होगी, ठीक है। ये पुदीने की, जिसमें मैंने अभी वो पुदीना धोया है उसी छन्नी में मैंने चिकन को धो ली थी, ये देखें, ठीक है। ये इसको पीस देंगे अभी हम, फिर आपको बताते हैं पीसने के बाद। देखिए जी, ये इस टाइप का पीसना चाहिए एकदम बिल्कुल यू। आपके पास अगर ये मशीन नहीं तो बूचर से कहेगा, वो इस तरह का पीस देगा। देखिए ये देखिए, ठीक है, इस तरह। अब इसमें क्या करेंगे अभी आपको बताते हैं हम। जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ये लगी हुई प्याज अपनी फ्रिज में रखती हूँ, ये मैं 2 चम्मच के करीब लूंगी, 2-3 चम्मच के करीब, ठीक है। या अपन भी पसंद से डाल सकते हैं, ठीक है। ये डालेंगे हम 2-3 चम्मच के करीब और इसको पीसेंगे, ठीक है। फिर मैं पीस के बताती हूँ आपको। देखिए ये पीस चुका है, ठीक है, इस शक्ल में है। इसको टोंगे में निकाल लें, बाद में निकाल लें, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब जो है, अब हम अपनी प्याज की तरफ आएंगे, प्याज को लेंगे, और प्याज जो ऑनियन है, देखें ये मैंने 2 ऑनियन ले ली थी, ठीक है। देखते हैं तो हम चॉप कर लें इसी में डाल के।
एक हरी मिर्ची है, देखें बस एक। अब ये प्याज को क्या करना है, थोड़ा सा आप ऐसा करें, एक प्लेट में ना इसका पानी निकाल लीजिएगा, फिर डालिएगा। प्याज में का पानी ना जाए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्याज का पानी ना जाए, ठीक है। आप चाहें तो हरी मिर्च जो है इजाफा भी कर सकते हैं, ज्यादा भी डाल सकते हैं, बट हमें जरूरत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चमचा अदरक लहसुन जाएगा पिसा हुआ, ठीक है। और फिर हम इसमें अपना जो हमने मसाला तैयार किया वो डालेंगे, मैं आपको अभी बताती हूँ हाथ वॉश करके। देखिए ये मैं जो अदरक लहसुन पीस के रखती हूँ, ये आ गया इसमें लहसुन एक चम्मच, फिर थोड़ा सा और ले लें डेढ़ चम्मच के करीब, और ये अदरक एक चम्मच के करीब, ठीक है। क्योंकि हमने अदरक लहसुन अपने मसालों में भी डाला था, ठीक है, उसमें भी अदरक लहसुन शामिल है, तो ठीक है ये। उसके बाद हम ये मिला देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा जो हमने बनाया था अभी आपके सामने, ठीक है। मैं इसमें गंदम का आटा ही मिलाती हूँ, तो और एक इसमें एग जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी आप देखिएगा, इसमें मैं लेमन भी शामिल करूँगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा खटास आए, थोड़ा खट्टा खट्टा बनाए तो मज़े का लगेगा, ठीक है। फ्रेश लेमन है, दो अदद उनका मैंने जूस निकाल लिया था, और ये भी किया इसमें, ठीक है। मैं वन एग शामिल कर रही हूँ इसमें, आप वो भी देखिए, ये एग है, ये भी किया इसमें, ठीक है, बहुत जल्दी बनाने वाली चीज़ है। अब इसमें मैं पुदीना शामिल करूँगी बस, और उसके बाद हम तैयारी की तरफ आते हैं। ये मैंने पुदीना काटा इसमें, आप चाहें तो हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं पुदीना ही शामिल करती हूँ, पुदीना इसको हाजिम बनाता है, बहुत अच्छा रहता है। आप चाहें तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम इसको मिक्स करेंगे, कुछ नहीं जाने वाला, अब इसमें पूरा तैयार है। अच्छा, अगर आप इसमें गींज का टमाटर मिलाना चाहती हैं बारीक बारीक चॉप करके, तो ये याद रखिएगा आपको ये उसी वक्त ख़त्म करना होगा, ये फ्रीज में नहीं रहेगा, फ्रीजर में नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा कि वो सड़ जाता है जल्दी, महक आ जाती है टमाटर वाली चीज़ में। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि जो तलाई कर रहे हैं ना उसके बैक साइड पर एक कबाब के लगा दीजिए आप, तो आपका ये जो होगा ना हेल्प करेगा आपको उस वक्त जब आप आराम कर रही होती हैं। आप ये कर सकती हैं कि यार मेहमान आ गए या बच्चे आ गए मेरे, अब स्कूल से मैं जल्दी से कबाब तल के दे दूँ, लेकिन फिर आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि टमाटर पड़ा हुआ था, बच्चे स्कूल से आए या कहीं से भी आए, आप चेक किए बिना नहीं दे सकती हैं उनको, ये याद रखिएगा। जो मैं अपना अमली प्रैक्टिकल आपसे शेयर कर रही हूँ, मैंने माशाल्लाह बहुत पकाएंगे और कई सालों से मैं बना रही हूँ इसको, ठीक है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है इसको, ना ये फटेगा ना ये कुछ होगा। हाँ, एक बात का और ख्याल रखिएगा, ये तवे में जिस शेप की आप डालती हैं उस शेप से थोड़ा सा अपने आप को शिलिंग करते हैं, मतलब जिस क्वांटिटी का आप डालेंगी ना इसमें, तो वो क्वांटिटी से ये छोटे हो जाएंगे, ये शिलिंग करता है तेल में जाके अपने आप को, तो उस हिसाब का डालिएगा जिस हिसाब का आपको मतलब चाहिए साइज, थोड़ा सा उससे बड़ा कर लीजिएगा कबाबों का साइज आप, ठीक है। मैंने ये मिक्स कर दिया है इसको, ये मिक्स करने में ही मुझे बता रहा है अपने आप को कि मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया हूँ, बिल्कुल वैसा नहीं हूँ कि मैं बह जाऊँगा हाथ से और यूँ हो जाऊँगा वो हो जाऊँगा, ये कुछ नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, ये मैंने इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट दे दिया था बनाने के बाद, आप तो शाम सुबह से शाम भी रेस्ट दे सकती हैं इसको। अच्छा, ये यूँ करके, ठीक है, मैंने यूँ बनाया है, छोटा बना के बता रही हूँ आपको मैं, क्योंकि इसके साथ मैंने पराठे डाले हैं अभी, तो आप चाहेंगी तो मैं बड़ा भी डाल के दिखा देती हूँ आपको, लेकिन अभी के लिए मैं छोटा डाल रही हूँ, ठीक है। एक मैं आपको बड़ा भी दिखा दूँगी, ये डायरेक्ट थोड़ा सा मैं बड़ा ही ले लेती हूँ, ठीक है।
अच्छा अब आप क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये एक टमाटर है, देखें इसको यूं लगा दीजिएगा पीछे बस, ठीक है। इसको अगर आपने काट के अंदर मिलाया तो उसी वक्त बस खत्म करवा दीजिएगा। अगर बारीक बारीक काट के और अंदर मिला दिया, चॉप करके इसको अंदर प्याज की तरह शामिल कर दिया, ये याद रखिएगा। फिर डीप फ्रीजर में नहीं रख सकते क्योंकि मेरे साथ अमली प्रैक्टिकल है, ये निकल जाता है, खराब हो जाता है, ये रह नहीं पाता। उस वक्त जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि फ्रिज में मेरे कबाब रखे हुए हैं, मुझे अब हेल्प है, आज मेरा मन नहीं हो रहा खाना पकाने का, तो मैं कबाब निकाल के गर्म कर दूँ। मेरे साथ हमेशा हुआ, मैं बहुत बार से बना चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत किलो के बनाए हैं मैंने, काफ़ी अल्लाह का शुक्र है मैंने। इसको ले जा रहे हैं हम तवे की तरफ डालने के लिए, अभी आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, कहीं नहीं जाने वाला बेचारा, होता रहेगा। अभी मैं इसको तल के इधर की तरफ से फिर पलट के आपको दिखाती हूँ क्या लुक आ रहा है, ठीक है। ये मैंने पलट दिया है, ये लुक आया है इस तरफ से, देखें, ठीक है। आप लोग इससे ज़्यादा भी तेल ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लगता है, मैं इतना ही तेल लेती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे एक साथ सजा लेती हूँ और फिर बहुत सारे एक साथ पलटती रहती हूँ, उतारती रहती हूँ, लेकिन मैंने अभी एक इसलिए सजाया है कि आप देखिए, ठीक है। मैं पूरा कंप्लीट करके इसको आपको दिखाती हूँ, पेश करती हूँ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें हमारे चपली कबाब बिल्कुल तैयार हैं। देखें आप ये साइज़ भी रख सकते हैं, बहुत गर्म हो रहा है, ये देखें ये साइज़ भी आप रख सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम मैं ये साइज़ बनाती हूँ, इससे ये होता है ये बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है। इसके साथ मैंने ये इमली की चटनी रखी है और ये मैंने प्याज और टमाटर की चटनी रखी है, नींबू रखे हैं जो छिड़केंगे इसके ऊपर बनाए उसको, और ये केचप है, और ये दो मैंने पराठे बनाए हैं अभी सामने, ठीक है, पराठों के साथ। ये लुक भी आ सकता है इसका, ठीक है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत पसंद आई हो, तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पे क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाएंगी और आप लोग ऐसे ही खानों को एंजॉय कर पाएंगे इजी तरीके से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू।